हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत उसी रात से होती है जिस रात नुएंग पाम को छोड़कर चला गया था। लेकिन उसके जाने से पहले दुखी पाम जब बाथरूम में था तो नुएंग उसे देखने आया कि वो बेटर फील कर रहा है या नहीं। पाम हल्का ठीक फील कर रहा था, पर मॉम को ना बचा पाने का जो दुख था वो नहीं जा रहा था। नुएंग ने उसे बोला कि कोई नहीं, माँ तुम पर गर्व करेगी। लेकिन पाम बहुत ज्यादा दुखी था, उस पर गर्व करने वाली क्या बात है, वो तो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नुएंग ने उसे विश्वास दिलाया, पाम तुम मुझे बचाने में कामयाब हुए, अगर तुम नहीं बचाते तो उसी दिन मेरे घर में ही मेरी हत्या हो जाती। पर तुमने देखा ना पाम, प्रॉब्लम मैं ही हूँ। मुझे बचाने के चक्कर में तुमने अपनी माँ को खो दिया, तुम्हारे डैड भी जेल में है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ जियो फ्रीडम के साथ। पर पाम का कहना था मिस्टर नुएंग तो है ना उसके पास। नुएंग ने उसे समझाया कि पाम को अपने बारे में सोचने चाहिए, उसे नुएंग की फिक्र नहीं करनी चाहिए। और फिर कुछ देर दोनों ने बाथरूम में ही बिताया और उसी रात पाम को स्लीपिंग पिल्स खिलाकर नुएंग अपने घर वापस आ गया। नुएंग के एब्सेंस में चाचा जी ने तो कंपनी में अपने पैर जमा दिए थे। इस बात से अनजान कि आगे उनकी हालत बहुत पतली होने वाली है, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में लगे थे। अपने हिसाब से क्लाइंट का ब्रेन वॉश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये तरकीब काम नहीं आई क्योंकि कियाथरा कुलमैतिस का नेक्स्ट ओनर, या यूं कहे ओनली लीगल ओनर, उनके सामने आया। उसने क्लाइंट से बातें की, उनसे कहा अगर उन्हें कियाथरा कुलमैतिस के साथ बिजनेस करने हैं तो वो नुएंग से बात कर सकते हैं क्योंकि वही एकलौता ओनर है कियाथरा कुलमैतिस का। पहला झटका तो चाचा जी को वही लगा, लेकिन दूसरा झटका भी बाकी था। चाचा जी प्यारे भतीजे वाले नाटक पर उतर आए। बेटे नुएंग कहाँ थे तुम, तुम्हें पता है मैंने कितनी तलाश की तुम्हारी। नुएंग उनके चाल चलन से भली बातें वाकिफ था, वो बोलने लगा मैं छुपा था किसी सेफ प्लेस पर, बट आई थिंक मेरे लिए कोई सेफ प्लेस है ही नहीं। मुझे मारने वाले मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। वैसे आपसे आपको होटल बिजनेस संभालने की जरूरत नहीं है, इसे मैं हैंडल करूंगा। चाचा जी का तो अब सब कुछ छीन गया, वो पागल हो गए। नुएंग ये होटल की बिजनेस है, तुम नहीं कर पाओगे। देखो एक गलती पूरे बिजनेस को डुबा सकती है, पर नुएंग के पास इसका भी जवाब था। इसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे मॉम के बाद अब सारा बिजनेस मैं ही संभालूंगा। वैसे ये होटल का बिजनेस मेरे लिए एक टॉय की तरह है, मैं बर्बाद करूं तो ठीक है लेकिन किसी और को ऐसा नहीं करने दूंगा। नुएंग के तेवर देखकर तो चाचा जी कुछ बोल ही नहीं पाए। कुछ समय के लिए वो खुद को राजा समझ बैठे थे, पर याद आया वो कभी राजा बन ही नहीं सकते। चाचा जी को डराकर नुएंग मॉम से मिलने हॉस्पिटल आया। उसने डॉक्टर से उनका हाल पूछा। डॉक्टर्स ने बताया हार्ट रेट कम है और गोली बिल्कुल स्पाइंस के पास लगे हैं, तो हो सकता है नर्व थोड़ा काम ना करे और उनके ब्रेन डैमेज हो जाए। साथ में उनके जागने की बात तो अभी टाइम लगेगा। नुएंग मॉम के पास आया, उसके आंख में आंसू थे। उसने मॉम को बोला मॉम जब मैं घर से बाहर था तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं अपने ख्याल रख सकता हूँ, पर मेरे आसपास जो भी होते हैं वो हर्ट होते हैं। मॉम मैं आपके आंखें खोलने का वेट कर रहा हूँ, पर इतनी जल्दी करने की जरूरत भी नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। और नुएंग बोलते बोलते मॉम के सामने फूट फूट कर रोने लगा। घर वापस आने के बाद शाम में वो सर्वेंट रूम यानी कि पाम और उसके पापा के रूम गया। उसे पाम की बहुत याद आ रही थी, उसने पाम के कपड़े देखे। याद आया जब वो दोनों बीच पर थे तब वॉशिंग मशीन के खराब हो जाने की वजह से दोनों हाथ से कपड़े धोने बैठे थे, तब नुएंग ने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि पाम की शर्ट पहनी थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें। और गूगल बाबा से उसने थोड़ी बहुत पूछताछ की तो पता चला बॉयफ्रेंड का कूल स्मेल रिलैक्स रहने में उसे हेल्प करेगा। पाम को भी ये बहुत कूल लगा, वो बार बार मौका देकर नुएंग की स्मेल लेने लगा। पाम को याद करके नुएंग की आंखों में आंसू आ गए, उसने पाम के शर्ट को हग कर लिया और वही रोने लगा। अगले दिन नुएंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ स्कूल पहुंचा, उसे देखकर तो सारे स्टूडेंट्स हैरान थे। चॉपर तुरंत उसे मिलने आया, नुएंग कैसे हो तुम। नुएंग ने उसे बोला ठीक हूँ, जिंदा हूँ, और तुम तो अब मुझे देखकर शॉक्ड हो गए। चॉपर को बात अजीब लगी, नुएंग मैं तुम्हारे लिए वरीड था, तुम्हारा कजन हूँ मैं, और देखो हमारी फैमिली के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, फिर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन नुएंग को अब चॉपर पर भी भरोसा नहीं रहा, वो बोलने लगा तुम्हें मालूम था ना तुम्हारे डैड की हरकतों के बारे में, तुम जानते थे मेरी फैमिली पर हमला करने के लिए वो लोगों को भेज रहे हैं, पर तुमने उन्हें नहीं रोका। तुम चाहते तो ये सब रोक सकते थे, पर तुम्हें तो सही टाइम का वेट था ना, इसका मतलब तुम भी उनके साथ थे, तुमने उन्हें सपोर्ट किया। चोपर को सुनाने के बाद नुएंग अपना सर ठंडा करने के लिए स्विमिंग पूल में आया, पर वहां तो उससे माफी मांगने के लिए भूम पहुंच गया। वो नुएंग से रिक्वेस्ट करने लगा, नुएंग मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ तुम्हें बुली किया, और गुस्से में कभी कभी मेरे डैड ने तुम्हारे पीछे आदमी भी लगा दिए, पर यकीन करो मेरा मेरी फैमिली का इसमें कोई हाथ नहीं है, उन्होंने तुम्हारी मॉम को हर्ट नहीं किया है। नुएंग को अब थोड़ा ठीक लगा, उसने भूम को बोला जब तुम बुली नहीं होगे विक्टिम नहीं बनोगे
तुम्हें मेरा दर्द कैसे समझ आएगा। पर फोम तो हाथ जोड़कर नुवेंग के पैरों में गिर गया और अपने फैमिली के लिए भीख मांगने लगा। अपने डैड को जेल जाने से रोकने की रिक्वेस्ट करने लगा। नुवेंग को थोड़ा बहुत तरस आ गया। वो बोलने लगा, मुझे मालूम है इसके पीछे तुम्हारे डैड का हाथ नहीं है, वो जेल नहीं जाएंगे, पर ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा बल्कि उनके लिए कर रहा हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मॉम के ठीक होने तक सारी जिम्मेदारी नुवेंग ने अपने ऊपर ले ली, पर अब उस पर काम करने की बारी थी। मॉम के साथ जो लोग काम कर रहे थे होटल के रिनोवेशन में, मैनेजर, असिस्टेंट्स, सबसे उसने बातें की। उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की कि इस फील्ड में वो नया है तो उन्हें हेल्प करें। अगर उनके मन में भी कोई न्यू आइडियाज़ हैं तो वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। लेकिन काम के बीच पाम की यादें नहीं जा रही थी। लाइफ में फर्स्ट बार उसे किसी से इतना डीपली प्यार हुआ, पर किस्मत खराब, उससे दूर होना पड़ा। नुवेंग को याद आया कैसे वू और डेविड की शादी में पियानो बजाने के लिए वू ने उसे पे किए थे और उस पैसे से उसने अपने लिए फोन खरीदे। पाम उसके लिए कितना खुश था, पर अब नुवेंग अकेला है, बिल्कुल अकेला। अगले दिन नुवेंग अपने ऑफिस से बाहर आया तो देखा पाम सामने उसकी भी तरफ पीट करके खड़ा है। उसने तुरंत पास जाकर उसे आवाज दी, पर ये पाम नहीं कोई और था। नुवेंग थोड़ा निराश हुआ, पर जो भी हो काम पर तो जाना ही होगा। लेकिन पाम और बस उसकी यादें, कार में बैठकर एक बार फिर से नुवेंग चौनबोरी की यादों में चला गया। वहां नुवेंग बाइक चलाने के लिए सीखना चाह रहा था, पर पाम का कहना था नुवेंग जो भी बोले पाम तुरंत हाजिर हो जाएगा। नुवेंग ने उसे मना किया, पर पाम थोड़ा नाराज हुआ, पर बॉयफ्रेंड के मनाने पर वो मान गया। वो नुवेंग को बाइक सिखाने लगा। नुवेंग ने उसे भी पीछे बैठने के लिए बोला और इस बार नुवेंग ड्राइविंग सीट पर और पाम बैक सीट पर उसे हक किए हुए बैठा था। दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ। पाम को नुवेंग की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। उसने स्टान करने शुरू कर दिए, पर ये सब तो बस यादें बनकर रह गई। स्कूल में अब बेन आया नुवेंग से मिलने, लेकिन म्यूजिक रूम के गेट पर ही गार्ड ने उसे रोक लिया। पर बेन को तो नुवेंग से बात करनी थी, लेकिन उसे बोला गया अभी मिस्टर नुवेंग म्यूजिक रूम को यूज कर रहे हैं, इसके बाद चले जाना। नुवेंग बाहर आया, बेन बोलने लगा नुवेंग कहाँ थे तुम, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। नुवेंग ने उसे ये सब नाटक छोड़कर सीधे पॉइंट पर आने के लिए बोला। बेन उसे सॉरी बोलने लगा, मैं पागल था नुवेंग, डरपोक था, इसीलिए उस टाइम मैंने सारा ब्लेम तुम पर थोप दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर नुवेंग का कहना था मैं क्यों माफ करूं तुम्हें, मेरी नज़र में तुम तो एक घटिया किस्म का आदमी हो, तुम्हारी वजह से जो भी पर्सन मेरे साथ नाइस बिहेव करता है मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाता। बेन इसके लिए रिग्रेट फील कर रहा था, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर जो गलती मैंने की है अगर इसकी भरपाई करने का मौका आए तो एक बार मुझे ज़रूर याद करना। तुम माफ़ करो या ना करो, मैं तो बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, और सच बताऊँ तो उस टाइम जो मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थे वो बिल्कुल रियल थे। इधर जब से नुवेंग वापस आया था चाचा जी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उनके सपनों को तो नुवेंग ने तोड़ मरोड़ कर निचोड़ दिया था। चौपड़ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, नुवेंग का जो था उसने वही लिया है, उससे छीनने का क्या मतलब है, और आज जिस तरह से उसने मुझसे बातें की मुझे लगता है वो आपको चैलेंज करने वाला है। चाचा जी खुश, हाँ तो कम्पीट करने दो ना, देखते हैं बच्चे को मैं कैसे हराता हूँ। वैसे वो तुम्हारा फ्रेंड कौन है जो उस दिन यहाँ आया था, तुम दोनों काफी क्लोज हो एक दूसरे के। चौपड़ ने बेन का नाम बताया और बोला कि वो बस एक दोस्त है। पर डैड बोलने लगे तुम्हारे दोस्त ने उस दिन शायद कुछ ज्यादा ही सुन लिया, तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं। चौपर के आंख में आंसू आ गए, डैड मैं क्या बताऊं उसे कि मेरे डैड अपनी ही फैमिली को मारना चाहते हैं, अपने ही नेफ्यू को मारने के लिए उन्होंने लोगों को भेजे। चौपर बोलते जा रहा था और डैड ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। चौपर वहां से जाने लगा, पर डैड ने उसे एक और धमकी दी, सुनो चौपर तुम्हारा जो भी फ्रेंड है वो, पर मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी पर्सन को मैं नहीं छोड़ता। नुवेंग को अब बिजनेस के साथ साथ पापा चानोन को भी जेल से निकालना था। वो उनसे मिलने जेल पहुंचा। पापा चानोन उसे देखकर हैरान थे, साथ में वरिड भी। मिस्टर नुवेंग आप यहाँ कैसे, और पाम कहाँ है, आपका यहाँ अकेले आना सेफ नहीं है। नुवेंग ने उसे बताया पाम को किसी सेफ जगह पर छुपा कर रख दिया है मैंने, वो लोग आपको पकड़ सकते हैं तो वो लोग पाम को भी नहीं छोड़ेंगे। पापा चानोन अपनी सफाई देने लगे, मिस्टर नुवेंग मैंने आपकी फैमिली को नहीं मारा, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। नुवेंग को उन पर पूरा भरोसा था, इसीलिए तो वो आज उनसे मिलने आया था। उसने पापा चानोन को बोला मुझे आप पर भरोसा है, आपको फ्रेम किया गया है, मैं आपको बहुत जल्दी बाहर निकाल लूंगा। पापा चानोन ने नुवेंग से पाम के लिए एक मैसेज भिजवाया कि वो टेंशन ना ले, पापा बिल्कुल ठीक है जेल में। नुवेंग वहां से सीधे उस बिल्डिंग पर आया जिसे उसके डैड रिनोवेट करना चाह रहे थे। उसे वो दिन याद आया जब स्कूल से परेशान होकर वो यहीं छुपने आता था, पाम भी उसके साथ ही आता था, और पाम की मॉम ने उसे बोला था कि वो हमेशा पाम का ख्याल रखे। पर अब सिचुएशन बदल चुकी है, वो चाहता था कि पाम इससे दूर रहे ताकि वो सेफ रहे, पर आज पाम उसके सामने आया। उसे देखते ही नुवेंग के आंख में आंसू आ गए। पाम बोलने लगा मिस्टर नुवेंग आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। नुवेंग रोने लगा, रोते हुए उसने पाम को बोला
पाम तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हारे लिए नोट्स छोड़े थे ना, सब कुछ तो एक्सप्लेन किया था उसमें, तुमने पढ़ा नहीं? पाम ने नोट्स तो पढ़े थे, पर वही बात उसे नुएंग के मुंह से सुननी थी। नुएंग बोलने लगा, पाम अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। मैं चाहता हूँ कि तुम बेटर लाइफ जियो। तुम देख सकते हो तुम्हारी माँ डैड मेरी वजह से उनके साथ क्या हुआ। पाम तुम क्यों मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हो? पर पाम की लाइफ और हैप्पीनेस दोनों तो मिस्टर नुएंग ही है। नुएंग को गुस्सा आ गया, पाम तुम समझ क्यों नहीं रहे, मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं और मैं तुम्हारे डैड को भी कुछ दिन में छुड़ा लूंगा, फिर तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और तुम अपनी लाइफ कहीं दूर सेफ जगह जाकर बिताना, इसके बाद कभी लौट कर मत आना तुम। पाम को ये बात ठीक नहीं लगी, वो मिस्टर नुएंग पर चिल्लाने लगा, मिस्टर नुएंग आप मेरे काइंडनेस की कीमत दे रहे हैं मुझे, हमने जो भी टाइम साथ बिताए क्या वो आपके लिए मायने नहीं रखते? नुएंग के लिए वो सब बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए तो उसे एक बचा कर रखना चाहता है और यही रीजन है कि वो पाम को दूर भेज रहा था। वो नहीं चाहता कि पाम हमेशा छुप कर लाइफ बिताए, पर पाम अब उससे दूर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बोलने लगा, मिस्टर नुएंग अब हम नहीं बल्कि वो लोग कीमत चुकाएंगे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। अब जो भी होगा हम दोनों साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उसने नुएंग को हक कर लिया, लेकिन एक आदमी ने चुपके से उन दोनों के फोटोज खींच लिए। वहां से फिर दोनों पाम के रूम आए जहां वो छुप कर कुछ दिनों से रह रहा था। नुएंग ने उससे पूछा, कितने दिनों से रह रहे हो तुम यहाँ और तुम्हें कैसे पता चला मैं उस बिल्डिंग पर जा रहा हूँ? पाम ने उसे सीक्रेट बताया, मैं यहाँ उसी दिन वापस आ गया था, सीक्रेटली यहाँ रूम बुक किया मैंने, जान पहचान वालों से बाइक उधार ली और बस आप पर नजर रखे हुए था तो मुझे पता चल गया कि आप कहाँ मिलोगे। नुएंग थोड़ा वरीड हुआ, पाम तुम्हें मालूम है ना ऐसे अकेले रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। पर पाम तो नुएंग को देखने लगा, उसके लिए भी तो अकेले रहना सेफ नहीं है। नुएंग बोलने लगा, ठीक है मैं भी एक बॉडीगार्ड हायर कर लूंगा, लेकिन पाम का कहना था उसके अलावा मिस्टर नुएंग का ख्याल कोई और इतने अच्छे से नहीं रख सकता। नुएंग ने उसे बताया कि पापा चानोन को भी वो जल्द ही छुड़ा लेगा, वैसे भी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बस उसकी फैमिली की वजह से है तो उनकी हेल्प करनी तो बनती है। नुएंग फिर वहां से जाने लगा, पर पाम ने उसे रोका, मिस्टर नुएंग आप अगर घर जाओगे तो फिर से अकेले हो जाओगे, प्लीज मेरे साथ रुक जाइए। नुएंग बोलने लगा, पर मेरे पास कपड़े नहीं है चेंज करने के लिए। पर क्या फर्क पड़ता है, आज वो अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े पहन लेगा। दोनों चेंज करके बेड पर आए। नुएंग ने उसे पूछा कि अब वो अपनी मॉम को लेकर ओके है ना, उनके ट्रू लव की एकमात्र विटनेस थी वो। पाम मुझसे बताने लगा, मिस्टर नुएंग मुझे आपको अपने फीलिंग्स बताने का करेज मेरी मॉम ने दिया था। नुएंग भी उसे बताने लगा, लव करने का करेज मुझे भी मेरी मॉम ने दिया था, मेरे मन से डर उन्होंने ही दूर भगाया। पाम पूछने लगा, मिस्टर नुएंग अब तो हम बीच पर नहीं है तो अब भी मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं? नुएंग ने उसे बोला, ये तो तुम्हारे हार्ट पर डिपेंड करता है, तुम क्या सोचते हो? और पाम का हार्ट तो नुएंग के पास है। नुएंग ने उसे बोला, तो फिर ठीक है ना, हम दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हैं, चाहे किसी भी प्लेस पर हों। पाम ने फिर नुएंग को वही सन वाला ब्रेसलेट दिया, मिस्टर नुएंग इस बार अगर मैं आपको पहनाऊं तो आप इसे उतार कर नहीं फेंकेंगे। नुएंग ने प्रॉमिस कर दिया कि वो इस ब्रेसलेट को कभी नहीं उतारेगा। पाम ने वो ब्रेसलेट एक बार फिर से नुएंग को पहना दिए और अब फिलहाल तो दोनों साथ में खुश हैं, लेकिन फ्यूचर क्या होने वाला है इस बात से तो सब अनजान है। तो इसी के साथ नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 10 यही एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।